राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। पायलट द्वारा जनसंघर्ष यात्रा निकालने पर सीएम ने उन पर फिर से करारा अटैक किया है। गहलोत ने कहा कि पार्टी के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जो लोग पार्टी के प्रति वफादार नहीं होते वो कभी कामयाब भी नहीं होते। अशोक गहलोत ने आगे यह भी कहा कि मैंने हमेशा से सभी का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। यही कारण है कि पार्टी और सोनिया गांधी ने उन्हें काम करने का बार बार मौका दिया है। यह लोकतंत्र है, हमें सभी को साथ लेकर चलना होता है। अशोक गहलोत ने ये बातें जयपुर में पूर्व राज्यपाल नवल किशोर शर्मा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम के दौरान कही थी। इस दौरान मंच पर मौजूद शांति धारीवाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले ये मेरे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें सबसे पहले मंत्री बनने का ऑफर दिया। सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने हर व्यक्ति को मौका दिया है जो कांग्रेस के साथ है। इसके साथ ही गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 1998 में जब वो पहली बार सीएम बने तो उन्होंने सबको मौका दिया जो पार्टी के साथ थे। गहलोत ने कहा कि मैंने हमेशा लाइन को बड़ा खींचो ना कि पार्टी को काटो वाले कहावत पर काम किया है। सबको साथ लेकर चलने वाला ही कामयाब होता है। जो अकेला चलता है वो गुटबाजी पैदा करता है, वो अपने पराए की बात करता है और वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। गहलोत द्वारा पायलट पर फिर से किए गए पलटवार का पायलट क्या रिएक्शन देते हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन यह कांग्रेस में बढ़ रही गुटबाजी आने वाले समय में बहुत भारी पड़ने वाली है। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।